दोनों अपने हाथ में, जरा इस कॉइन को गौर से देखो, इसके दोनों तरफ है हेड और इसके दोनों तरफ है टेल, बिल्कुल गलत। अपना हॉल तो यह है कि दोस्त को कभी धोखा नहीं देना चाहिए और मक्का दगाबाज को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब तुम ही फैसला कर लो कि दोस्त हो या दोस्त। आपका मतलब राय बहादुर से है? हाँ, और वो 10 लाख की मालियत के कीमती हीरे भी इसी मकान में है। राय बहादुर पर इसलिए शक किया जाता है, जब गुलाब चंद मारा गया उस वक्त उसके पास हीरे नहीं थे और ना ही वो हीरे बाजार में आए और ना ही कहीं बेचे गए हैं। इसलिए ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि वो हीरे इस मकान में है और वो हीरे तुम्हें किसी सूरत में हासिल करना है। इसकी तो आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए। तुम्हारे दिल में बेईमानी थी, तुम्हारे दिल में बेईमानी थी। अब मैं क्या करूं? हीरे, हीरे यही है जो यही कहीं छुपाए हुए। शीला बेटी, सुबह ही सुबह कहां जा रही? जान बूझ कर खा रही। आपसे नहीं, उस चंदन से। क्यों? उसने आज पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है और मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती।
तुम जाना तो किसी के साथ नहीं चाहती, क्योंकि अकेले घूमने की आदत है ना। और फिर भी मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं जाना चाहती? बेकार से बातें करता है। तुमसे शादी करना चाहता है यही ना? मगर मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। क्यों? बिल्कुल बेवकूफ। बहुत सी लड़कियाँ बेवकूफ मर्दों को ही पसंद करती हैं। और तुम जानती हो चंदन अमीर से अपनी माँ का इकलौता है। आपको मालूम है डैडी, मुझे रुपये से कोई मोहब्बत नहीं, और न उन आदमियों से दिलचस्पी है जिनके पास रुपया। चंदन आ गया। कह दीजिए कि मैं घर से नहीं हूँ। हेलो अंकल। कौ चंदन, कैसे हो? हमारी शीला किधर है? क्यों? देखो नहीं, आज सडनली फ्रेंड्स लोग ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, तो मुझे भी ले चलो पिकनिक पर। अंकल एक्सक्यूज मी, आप बड़ा सोचो। अरे आप तो फीस कटा के बछड़ों में नाम लिखाते हो। आपने बताया नहीं शीला किधर है। शीला, शीला बाहर गई। डबल आईडिया। शीला, अरे शीला, अरे आप भी तो निकलती हो क्या?
ऐ मेरी जान रहा, मैंने देखा है ये क्या, जुल्फ चेहरे पर दिए जान बदली मैं छुपा, ऐ मेरी जान रहा। राहिल पे देखा तुझे, लहरें जमा तुझे, लहरें जमा हूँ, और छूटे दामन तेरा, जाने कहाँ गई ऐ मेरी जान वफा, मैंने देखा है क्या, जुल्फ चेहरे तेरी जान बदली मैं छुपा, ऐ मेरी जान। नहीं आता तो पहले कि मैं तैरती, आपने मुझे बचा लिया। वैसे आपकी तारीफ? मेरा नाम अजीत है। मैं आपकी तारीफ भूला, तारीफ तो उसकी है कि जिसने आपको बनाया। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी, मुझे शीला कहते हैं। माफ कीजिएगा, अगर मैं आपके हुस्न की तारीफ करूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बुरा मानूंगी या नहीं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, मगर पहले आप ये बताइए, सारे लोग इतने बेबाक क्यों होते हैं, क्यों हुस्न की तारीफ करने लग जाते हैं? मैंने कहा हुजूर, हम तो तारीफ ही करते हैं, कभी बुराई नहीं करते। अब फिर हुस्न, इसे तो मैं साल हर साल से जानता हूँ, यानी मेरा मतलब है इसे मैं हजारों साल से जानता हूँ। कभी मैंने इसे पहले सामने देखा है, कभी खिलते हुए फूलों में। क्या आपको शायरों का ये अंदाज बिल्कुल पसंद है? बहुत पसंद है। और इसलिए ये गाना आप गा रहे हैं, ये आपने लिखा था क्या? जी हाँ, मैंने। बहुत अच्छा था। मैं पूछ सकता हूँ कि आप रसी कहाँ? जी लाल, मेरी मेरे पिताजी हैं। क्या आप कल फिर यहाँ आएंगे? जी, आप जैसे शायर हो तो बहुत जाना पड़ेगा। मैं आपका इंतजार करूँगा, मैं जरूर आऊंगी। कल फिर मिलोगी ना? कल कल नहीं आऊंगी। कल नहीं आऊंगी क्यों? कल मेरी सालगिरह है। कल तुम्हारी सालगिरह? फिक्र न करो शीत, मैं आऊंगा और फर केवल चल के आऊंगा। नहीं अजी, मैं तुम्हें अपनी सालगिरह में नहीं बुलाना चाहती। तुम मुझे अपनी सालगिरह में नहीं बुलाना चाहती? नहीं। इसलिए कि मैं गरीब हूँ? ये बात नहीं है, मैं तुम्हें उस माहौल में नहीं ले जाना चाहती। मुझे सकून महसूस हुआ है, और अगर मैं तुम्हें घर ले गई तो तुम उसी की जान खो जाओगे और ऐसी हो जाओगे जैसे उन लोग हैं। मैं अपनी सकून किसी कीमत पर नहीं खोना चाहती। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? मैं भी तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खोना चाहता। Thank you.
बोल रही हैं? अरे कमाल करती हो, आवाज भी नहीं पहचानती। बुरी शीला क्या बात क्या है? ओ बड़ी चंदन। बड़ी शीला मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं घर पर आता हूँ तो तुम मिलती नहीं हो। बड़ी मेरा हार्ट की कंडीशन तो एयर कंडीशन हो जाती है। ओ चंदन आई एम वेरी सॉरी। देखो कल मैं एक जरूरी काम से चली गई थी। ऐसा तो बुरी तुम सॉरी क्यों कहती हो? मैं कह देता हूँ बुरी शीला आई एम वेरी वेरी सॉरी। बड़ी तुम भी कमाल करती हो शीला। अरे अभी तुम्हारी 16वीं सालगिरह है ना? 16वीं सालगिरह? लड़की लोग कभी करेक्ट नहीं बोलता, हमेशा अपना उम्र कम बताता है। बड़ी आया तुम क्यों बीच में बोलती है? हम बोलती नहीं उसे कम बताता है। यूँ हमारा उम्र 35 है बट हम लोगों को 17 बोलता लोग बिलीव कर लेते हैं। माफ करना शी, मैं नहीं चाहता था कि इस खुशी के मौके पर तुम्हें तकलीफ दूं। शीला तुमसे रुखसत होने के बाद मेरा दिमाग तुम्हारी बातों और तुम्हारी यादों ही में उलझा रहा। बार बार यह ख्याल आता था कि तुम्हारी सालगिरह पर कोई तोहफा न देना मोहब्बत सख्त तौहीन होगी, लेकिन दिल ने कहा कि तेरे पास लफ्जों के सिवा है ही क्या जो तू देगा। मैंने सोचा जो कुछ भी हो वो तुम्हारे आगे पेश कर दूं, चाहे ये तोहफा हकीकी क्यों ना हो। तुम्हारी मोहब्बत से बढ़ती भी दुनिया में कोई चीज है नहीं। मेरा तोहफा तो यह हकीर कागज है, यह एक नज्म है, मेरे जज्बात की तर्जुमानी और हमारी मोहब्बत की निशानी। नजर का मिलकर छुप जाना मोहब्बत की निशानी। बहुत पसंद आया सब तोहफों से ज्यादा। तुमने बड़ी खूबसूरत नजम लिखी है जी। तुम्हें मेरी नजम पसंद आई, मेरी इज्जत अफजाई। अच्छा अपनी सुनो, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छी बात, फिर कल मुलाकात हो। शीला, शीला, बड़ी आज लग रही हूँ। अरे तुझे शर्माने की क्या बात है, बड़ी लग रही हूँ कर रहा हूँ। बड़ी शीला की तरह वो क्या है, अच्छे है बटन आपके डबल है, बटन सिंगल है, देखो नहीं देखो देखो शीला तुमने तो कमाल कर दिया। बड़ी सबको नजर पड़ती है, मुझको ही नजर नहीं आती। बड़ी मगर मैंने भी ढूंढने में मजनू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन तुमने भी छुपने में नहीं लाका। अरे बड़ी मगर बात क्या है? बड़ी बात ही है कि बड़ी ये नवा मुर्गा कौन है? गुड इवनिंग अंकल, गुड इवनिंग। लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सी दिस फोटो अंकल, दिस इज यू एंड दिस इज माई डैड। ये आप है और ये हमारे डैडी।
लेकिन ये तो लंदन में था ना? मैं भी लंदन में। बेचारे की अचानक मौत हो गई। वंडरफुल मैन लंदन। अंकल वो भी हमेशा आपकी बहुत तारीफ करते थे। उन्होंने कहा था कभी इंडिया जाना तो हमारा फ्रेंड राय बहादुर से जरूर जरूर मिलना। इसलिए हम इधर आया है। हमारा सामान बाहर टैक्सी में है। अंकल इधर कोई नाइस होटल नहीं? ये क्या बेवकूफी की बातें हैं? ये तुम्हारा घर है बेटे, तुम्हारा। टैक्सी से सामान ले आओ जल्दी। शीला माय बॉय, इनसे मिलो मिस्टर दली और ये मेरी बेटी शीला। प्लीज टू मीट यू। अच्छे मौके पर आए हो, आज इसकी सालगिरह है। ओह हाउ नाइस, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। प्लीज सिट। शीला तुम्हें याद है मैं अक्सर जिक्र किया करता था कि मेरे एक दोस्त लंदन में रहते हैं जिनका नाम राजेंद्र कुमार है। ये उनका लड़का है। कितना बड़ा हो गया। मैंने आपको देखा। इट्स इम्पॉसिबल, आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम द एयरड्रोम। हम एयरड्रोम से आता है अभी। बड़ी मुझसे भी तो मिलिए ना। ओह यस मिस्टर दली, आप इनसे जरूर मिलिए। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन। भाई मेरा नाम है चंदन मल्है तामल पंजवानी। श्योर इट्स अ ग्रेट प्लेजर मिस्टर पंजवानी, इट्स अ ग्रेट प्लेजर। अरे आप तो बिल्कुल इंग्लिश एक्सेंट में बात करते हो। आई एम सो सॉरी, यू नो आई एम जस्ट कमिंग। हम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आई मीन ठीक हो जाएगी। भाई नहीं होगा तो मैं ठीक कर दूंगा। चंदन प्रेमी जी तो अभी तक नहीं आए। प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए। आइडिया एकदम सही है। अरे जा रही घर चलो ना, किस काटो नहीं। अरे आना भाई लोगो, आओ आओ। Thank you.
50,000 रुपए का हार है। शांति राय बहादुर, कालीन के नीचे यही आए बाहर। महान महान, ये सब भगवान की कृपा है। कल्याण हो, कल्याण हो। राय बहादुर जी, शीला की सालगिरह की खुशी में हमें मिठाई नहीं खिलाओगे? बेटी मिठाई तो लाओ। बड़ी सिख मत लाना, उसके अंदर में एग होते हैं, आई मीन टू से अंडा। राय बहादुर जी, ये कौन व्यक्ति है? ये मेरे दोस्त का एक लड़का है, आज ही लंदन से आया है, अभी मैं आपसे मिलवाता हूँ। मिल लेंगे, जल्दी क्या है। राय बहादुर, मंगल तुम पर भारी है, इसलिए आवश्यक है कि तुम नए आदमी से बच कर रहो। लाओ जरा अपना हाथ दिखाओ। ये लीजिए। कुछ तो बताइए। राय बहादुर, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि तुम्हारे ग्रह अच्छे नहीं हैं। तुम जल्द ही किसी मुसीबत में फंसने वाले हो। जी, मुसीबत? साहब, आपका टेलीफोन है। प्रेमी जी, मैं अभी हाजिर हूँ। बैठिए। प्रेमी जी, कल्याण। और प्रेमी जी, हमारा भी कुछ उद्धार कर ही डालो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुंवारा ही मर जाऊं। इनकी हमारी रेखा वैसे नहीं मिलती होवे तो कुछ पूजा पाठ का डालो नहीं। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी रेखा मिल जाएगी, तुम्हारे तो आनंद ही आनंद है। अच्छा। कल्याण हो तुम्हारा। लो बता दो। हम के नहीं लो, सुस्ती करो नहीं। अच्छा, आधा तुम लो और आधा शीला ले। एक्सक्यूज मी, डायरेक्ट आने दीजिए ना। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारी मौत। राय बहादुर, वो 10 लाख के हीरे अभी तक तुम्हारे ही पास है, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो उन्हें 3 दिन के अंदर अंदर हमारे हवाले कर दो, समझे? जगह और वक्त बाद में बताया जाएगा। तुम कौन लोग हो? तुम हमें खूब जानते हो, अगर हीरे न पहुंचाए तो 3 दिन के बाद समझ जाओ। Nonsense.
अपना हाथ संभालो। अब हमारा समय हो गया है, हम चलते हैं। प्रेमी जी, दादी को क्या मुझे बताने वाली है, ये तो बताइए। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, तुम चिंता न करो, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। अच्छा, अब हम चलें। प्रेमी जी, एक बड़ी आज आपने मुझको खुश कर दिया है, मैं आपको सूखा नहीं जाने दूंगा, और आज आपको मेरी कार में चलना पड़ेगा। जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो। बड़ी एक्सक्यूज मी, मैं आगे कैसे जा सकता हूँ, तो सोचो नहीं, सोचो सोचो। चंदन, तुम बुद्धिमान हो गए हो, आपकी कृपा। कल्याण हो, कल्याण, 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 कल्याण। बाय बाय, गुड नाइट शीला। बाय बाय शीला। बाय बाय, गुड नाइट शीला। प्रेम जी कहाँ गए? डैडी वो तो चले गए। चले गए? अच्छा, तुम दलित को उसके कमरे में छोड़ जाओ। जाओ जल्दी करो, जल्दी करो। जी, मुझे कुछ याद नहीं। ये रहा आपका कमरा। देखिए, नाइट इज वेरी यंग, आप हमारे कमरे में क्यों नहीं आता, कुछ बैठ के बात करेगा उधर? जी नहीं, मुझे वक्त नहीं। गुड नाइट। Good night, sweet dream. तेरे ही दम से तो है आज की रात हसी, तेरे ही दम से तो है आज की रात हसी। मस्ती में डूबी सजा ले चली दूर कहीं, ऐ मेरी जान वफा, मैंने देखा है ये क्या, जुल्फ के हेरे से गिरी, चांद बदली ने छुपा मेरी जान वफा। Thank you.
उनको तो हमारा इधर आना भी पसंद नहीं है, वो हमको साथ क्या ले जाएगा, और उनको तो हमारा फेस, हमारा शक्ल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसी तो कोई बात नहीं शीला। दलीप पहली बार हिंदुस्तान आया और ये कुछ है नहीं, इसे भी अपने साथ सही आई। थैंक यू वेरी मच। हम 5 मिनट के अंदर तैयार होकर आ जाएंगे। हाँ, आपके साथ जाके हम शहर देखेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल माय डियर, वेरी ब्यूटिफुल। किया तो डरना क्या जब प्यार, किया तो डरना क्या जब प्यार। हेलो हेलो हेलो, अरे बोलो नहीं, कौन है? टेलर है। प्लीज टेलर है तो टेलीफोन की घंटी क्यों बजा के आता है? बस से
दरवाजे का घंटी बजा था, तुम मिस्टेक में टेलीफोन का घंटी उठा लिया। तो क्या मुझसे मिस्टेक हो गई? यस सर, जब हमारा जान से मैरिज नहीं हुआ था तो हम भी इसी टाइप का मिस्टेक करता था। अरे तुम्हारा मतलब ये है कि मोहब्बत दिल में घर कर गई है? इधर देखा, बार बार मिस्टेक हो रही है। हेलो हेलो, बड़ी कौन बोलती है? आवाज तो बड़ी मीठी है। मैं शीला बोल रही हूँ। शीला? अरे शीला तुम? बड़ी मैं तुमको किस तरह भूल सकता हूँ? देखो नहीं मेरी हालत क्या हो गई है। बड़ी दरवाजे की घंटी बजती है तो टेलीफोन उठाता हूँ, टेलीफोन की घंटी बजती है तो दरवाजा उठाता हूँ। देखो चंदन, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मैं भी चाहता हूँ सैर करने को। देखो तुम जल्दी से जल्दी आना, कहीं रुकना नहीं, समझे? बस समझो कि मैं आ ही गया। गलती हूँ, घड़ी घड़ी मिस्टेक करता है। ओ माय गॉड, ये मोहब्बत में नहीं तो हम तुमको अभी बताएगा कि आदमी का बच्चा कौन है। अरे देखो नहीं, आज हम झगड़ा नहीं करना चाहता है, आज हम अच्छे मूड में है। शीला ने सब टाइम प्रॉमिस किया है सिटी की सैर के वास्ते। व्हाट? शीला ने तुमसे प्रॉमिस किया? और नहीं तो क्या, तुमसे करेगी? गॉड ऑलमाइटी, हम समझा, हमसे प्रॉमिस किया? अरे कुछ तो सेंस है काम लोनी, बड़ी हमारे होते हुए तुमसे प्रॉमिस किस तरह कर सकते हैं? शीला, अरे शीला, छाट नहीं करें। शीला, बड़ी शीला, थोड़ी हेल्प करो नी, एक आवाज हमारे वास्ते। शट अप शीला। मिस्टर दिलीप, मुझे यकीन है कि मिस्टर पांजवानी आपको शहर की ठीक सैर कराएंगे और आप उसे मुझसे ज्यादा पसंद करेंगे। वो बड़ी मजेदार चीज। कोई दीवानी डियर, तुम्हारे मेरे में कोई फर्क नहीं। दिलीप को शहर की सैर कराओ, उसे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं ऐसे काम से बाहर जा रही हूँ जिससे हम दोनों का फायदा है। तुम्हारी सीधा वही कंफर्म हो गया। वेल मिस्टर पांजवानी, क्या अपॉइंटमेंट किया है? एवरी देखो ना साईं, आज की कुर्बानी कंपलसरी हो जाती है। एवरी चलो तुमको सैर करा दूं। लिव इट मिस्टर पांजवानी, हम हो चला जाए। एवरी देखो ना, शीला का आर्डर है, हम तुमको कैसे छोड़ सकता है? नो मिस्टर पांजवानी। एवरी अड़ी मत करो, चलो नी, अरे चलो चलो, अरे चलो। बड़ी दलील क्या सोच रहे हो? अरे देखो नहीं देखो, ये लड़की तुमको जानती है? कौन ये? अमर श्री में पंजे वाले को कौन नहीं पहचानता है? ओ पंजे वाले, बड़ी फरमाइए, बड़ी अंदर आओ नी। आइए आइए। बड़ी सॉरी दलील, तुम तो बीच में सैंडविच हो गए। वेल मिस्टर पांजवानी, जरा गाइड रोको, गाइड रोको। बड़ी क्या बात है? ओ पांजवानी, यू आर ए किलर, यू आर ए किलर। वो लड़की तुमसे लव करता है। तेरी नजरों ने ऐसा काटा, तेरी नजरों ने ऐसा काटा, दो टुकड़ों में दिल मेरा बांटा। बड़ी अब तो, बड़ी अब तो न कर जाता, बड़ी अब तो न कर जाता, नजरों ने ऐसा काटा। जाएगी मुझे नींद नहीं आ।
सोचो जानी दिल से जा बोली या दिल की बता दे खोली ओ बड़ी बोलो नी जरा बोलो ओ बड़ी बोलो नी जरा बोलो दादा तेरी नजरों ने ऐसा काटा तेरी नजरों ने ऐसा काटा दो टुकड़ों में दिल मेरा बांटा बड़ी अब तो बड़ी अब तो न कर टाटा बड़ी अब तो न कर टाटा तेरी नजरों ने ऐसा काटा मैं बड़े सेठ का लड़का मत सोच मुझे तू करता भाई मैं बड़े सेठ का लड़का मत सोच मुझे तू करता बड़ी सोचो नी जरा सोचो तो नी जरा देखो ओ बड़ी देखो हो जरा देखो नजरों ने ऐसा काटा तेरी नजरों ने ऐसा काटा दो टुकड़ों में दिल मेरा बांटा बड़ी अब तो न कर टाटा बड़ी अब तो न कर टाटा तेरी नजरों ने ऐसा काटा काटा तेरी नजरों ने ऐसा काटा दो टुकड़ों में दिल मेरा बांटा बड़ी अब तो बड़ी अब तो न कर टाटा बड़ी अब तो न कर टाटा बड़ी अब तो न कर टाटा बड़ी अब तो टाटा न कर टाटा हमारी किस्मत आ गई हमें आप मुझे ढूंढ रही हैं वल्ला अगर मैंने इस वक्त कोई और चीज मांगी होती तो वो भी पूरी हो जाती बात दरअसल यह है कि मैं उस्ताद की गजल पर गजल कह रहा था एक ही शेर हुआ था कि कलाम का सिलसिला मुनक़िद हो गया अब आप आ गई हैं सारी गजल पूरी हो जाएगी उस्ताद कैसे मुलाजा कीजिए कहते हैं हो जर्द रू शफक तेरे गालों के सामने हो जर्द रू शफक तेरे गालों के सामने पानी भरे घटा तेरे बालों के सामने और खादिम का शेर मिलाजा कीजिए कहता हूँ वो माँ खा गए मेरी चालों के सामने वो माँ खा गए मेरी चालों के सामने अरे किसका चराग जलता है कालों के सामने नामुमकिन यानी आपका मतलब यह है कि उस्ताद की गजल पर गजल कहना नामुमकिन सी बात है अरे साहब आपने मुझे ये क्यों समझ रखा है ये लीजिए मैं अभी आपको अपनी एक गजल सुनाता हूँ शेर मुलाजा कीजिए मेरा मतलब है आप लेके कहाँ हैं नामो निशान पूछें तो ए कासिद बता देना तकल्लुस दाग है और आशिकों के दिल में रहते हैं नहीं मेरा मतलब है आपका आपका कयाम कहाँ है ओ कयाम ये तो मैं जानता था कि आप मुझसे एक दिन ये सवाल जरूर करेंगे आइए वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं आइए 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 ना आइए आइए सचिव जिस तरह हिंदुस्तान में बहुत सी इमारतें मशहूर हैं जैसे लाल किला ताजमहल कुतुब साहब का लाश इसी तरह खादिम की ये झोपड़ी मशहूर वो आए हमारे घर खुदा के कुदरत कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते आइए सचिव लाइए अंदर आइए गरीब खाना है हाजिर हर बला के लिए आखिर आप गरीब खाने पर रसीद ले ही आए बहुत दिनों से आपका इकरार था कि यहाँ आए लीजिए देखिए गौर से देखिए यही वो जगह है जहाँ मैं रहता हूँ अब बताइए आपकी क्या खिदमत की जाए आपके लिए कुछ चाय कुछ ठंडा कुछ गर्म क्या बात क्या है बहुत परेशान उफ आप तो सिर्फ कली से परेशान है यहाँ तो न जाने परेशानियों ने कब से हमारा साथ ये बात नहीं होगी कल हमारे यहाँ एक मेहमान आया उसकी शक्ल बिल्कुल तुमसे मिलती है मेरा मतलब है तुम्हें छुपाओ उसको निकालो बिल्कुल तुम दोनों हम शक्ल यानी उसकी शक्ल मुझसे मिलती है बिल्कुल तुमसे मिलती है कमाल हो गया तो हुजूर बात यह है कि इस सिलसिले में तो मुझे परेशान होना चाहिए आपको
जी हाँ। आपको क्यों परेशान होना चाहिए? मुझे इसलिए परेशान होना चाहिए कि जब वो आपके मेहमान जिनकी शक्ल बिल्कुल मेरी तरह है, वो आपके घर में 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, तो फिर मेरी मोहब्बत क्या होगा? कैसी बातें करते हो जी? क्या तुम समझते हो बस करने लगूंगी? इसी बात का तो डर है शी। सब तो तुम बिल्कुल पागल, मोहब्बत सूरत देख कर नहीं की जाती, समझे? मोहब्बत अगर सूरत देख कर नहीं की जाती तो फिर तुम इस कदर परेशान क्यों? मैं इसलिए परेशान हूँ, एक शक्ल के दो इंसान हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, दुनिया में ऐसी हजारों मिसालें मौजूद। और फिर अगर तुमको एक शक्ल के दो आदमी बुरे लगते हैं तो मैं तुम्हें एक खंजर ला के दूंगा, तुम उससे मेरा फैसला कर दो। क्या फैसला किया? फैसला? कैसे फैसला? मैं हमेशा के लिए तुम्हारी खामोश झील की तरह हसीन आंखों की गहराइयों में डूब जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी इस दिल फरेब मुस्कुराहट में हमेशा हमेशा के लिए खो जाना चाहता हूँ। शायरी अच्छी नहीं होती? ये शायरी नहीं है शी, आज तो तुम्हें हाँ या ना का फैसला करना ही होगा। और अगर मैं ना कह दूँ तो? अगर तुम ना कह दो तो मैं उसको भी अपनी हाँ समझूंगा। पर्वतों से रंग भरे बादल,
समझ नहीं सका। समझा तो मैं कुछ भी नहीं रहा था, केवल तुम्हारे ग्रहों का फल तुम्हें बता रहा था। यही तो जानना चाहता हूँ प्रेमी जी। अच्छा, तो शांति पूर्वक बैठ जाओ, मैं ध्यान करता हूँ। सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे इत्यादि। राय बहादुर, तुम आज ही रात इन वस्तुओं को अपने से दूर कर दो, नहीं तो तुम्हारी जान जाने का भय है। प्रेमी जी, मैं इस आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर पालन करूंगा। कल्याण, कल्याण। माफ कीजिएगा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? माफ कीजिए। आपसे तो सुबह मुलाकात हो चुकी है। आप मुझे ब्लू होटल तक पहुंचा सकते हैं? माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में हूँ। जी नजदीक ही तो है। जी ब्लू होटल जी, देखिए आइए, चलिए चलिए जी। राय बहादुर ने डांसर भी चुन के रखी। कौन गाता है? आप राय बहादुर को नहीं जानते? वही तो नहीं, एक दिन की यहाँ आप ठहरे हैं। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं वहाँ ठहरा हूँ? मैं उन साहब को जानती हूँ जिनकी गाड़ी में आप सुबह थे। वो राय बहादुर की लड़की से मोहब्बत करते हैं। और आप किससे मोहब्बत करती हैं? आपसे। तब तो मुझे बहुत डरना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हसीन जिससे मोहब्बत करते हैं उसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता। बहुत मजेदार आदमी, कभी मेरा नाम पूछो, उसके बाद मुझे बैठो। ये है मिस्टर सिंह। ओह हेलो, प्लीज प्लीज आइए। आप भी साथ कीजिए। बात ये सदा जी, मैं ऐसा जुआ नहीं खेलता। मैं तो खेलता हूँ एक मिनट में इधर या उधर। तो हो जाएगा। मांगिए। थैंक यू। इसको यहाँ कैसे जाए?
भेद लेने के लिए पंछी को जाने फसाना जरूरी है। मोहब्बत का मगर बात तो बात हुक्म देते हैं, काम कैसे करना है तुम्हें भी मालूम है। और लगाइए सही है। और सही लग जेंटलमैन, सही लग फिर है। शाबाश शाबाश शाबाश, कम आए कम आए। तुम ठीक हो, पहले रुपया दिखाओ। साहब हम तो धोखेबाजों की महफिल में हथेली पर जान लिए घूमते, और आज तो वाकई मेरा दिल कर गया। देखिए अभी तक रहा है, पहले किसी और वजह से रहा कहा था और अब किसी और वजह से। एक बात तो बताइए, आपने मेरी जान क्यों बचाई? एक बात मैं पूछूं? फरमाइए। वाकई आप इस शहर में नए आए हैं? जी हाँ बिल्कुल नया, यानी कि डायरेक्ट फ्रॉम लंदन। आप अनाड़ी मालूम होते हैं। अरे साहब मालूम होते हैं, हम तो बिल्कुल ही अनाड़ी हैं।
اسی لیے تو آپ جیسے لوگوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ نے پھر بھی میرے سوال کا جواب نہیں دیا. کیا آپ نے میری جان کیوں بچائی؟ میں نے آپ کی جان نہیں, اپنی جان بچائی ہے. وہ کیسے؟ آپ کا باپ کون؟ میری مجبوریاں الگ چیز ہیں اور میری محبت کچھ اور. یہ بلو ہوٹل کس کا ہے؟ ایسے ہی بہت سے سوال میں بھی آپ سے کر سکتی ہوں. یہ لیجیے رائے بہادر کا مکان آتا ہے. تھینک یو فادر. چالاک اور 420 قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے. میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس کے سائے کی طرح پیچھا کرو, پھر تم اسے اکیلا کیوں چھوڑا ہے؟ بڑی ہم سے بھول ہو گئی, اس نے چکر دے دیا. دیکھو نہیں کیسا ہم شریف سے, ہم نے سمجھا وہ بھی شریف سے. بول کر گیا ابھی آتا ہوں, ابھی تک نہیں آیا. بڑی ابوا جیسے کہ دیکھے سب سے تھی. ابھی اس کے اندر میں ہماری کیا مسٹیک ہے ذرا سوچو. نہیں سوچو سوچو. ہیلو مسٹر پانجوانی, ہاؤ آر یو؟ ہیلو شیلا ڈیئر. ہلو ہلو ہلو. اچھا شیلا میں چلتا ہوں. ارے ہم آتا اور تم جاتا, یہ تم کون سا ٹائپ کا لگتا؟ بڑی دیکھو نہیں ہم کو تھوڑا ارجنٹ کام ہے. اچھا شیلا لیکن اس کا بڑی پھر آڑی دیکھو نہیں کائے کو مسکری کرتا ہے. ٹاٹا شیلا ٹاٹا ٹاٹا پانجوانی. ہلو شیلا جی, واٹ ہیپن ان دا مارننگ؟ تم ہم کو اچھا چکمہ دیا. یہ تم روز سویرے سویرے کس کو ملنے جاتا ہے؟ بٹ لسن ٹو می, اپنے کام سے کام رکھو. ان کا خیال رکھنا. مائنڈ یور اون بزنس. اوکے بیبی, آئی ایم مائنڈنگ مائی اون بزنس. بٹ لٹ کیا آدمی ہم بھی برا نہیں ہے. گڈ نائٹ ڈیئر. بیٹھی ہے تو یہ کیسے حال میں, گم سم سی بیٹھی ہے تو یہ کیسے حال میں, الجھا دیا ہے تجھے کس کے خیال میں, اے میری جان وفا میں نے دیکھا ہے یہ کیا دل سکھرے دل چاند بدلی میں سکھا ہے میری جان رکھا. ویری نائس سانگ مس شیلا, ویری نائس. رائے بہادر اسپیکنگ. رائے بہادر, 3 دن کی مدت ختم ہو گئی, آج آخری دن ہے. رات کے 12 بجے ہیرے لے کر ندی کے پل کے نیچے آ جاؤ, سمجھے؟ رائے بہادر, ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا. اگر جان پیاری ہے تو تم بھی اپنا وعدہ پورا کرنا, ہم انتظار کریں گے رات کے 12 بجے, سمجھے؟ I can come along with you. I'm free. رائے بہادر, کیا کہیں باہر جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ پرنام پریمی جی. کلیان ہو, کلیان ہو. ہم مندر سے لوٹ رہے تھے, سوچا رائے بہادر کو بھی پرساد دیتے چلے. یہ لو پرساد, آج منگل کا دن ہے اور منگل تم پر بھاری بھی ہے. لو دلیپ, تم بھی پرساد لو. تھینک یو پریمی جی. اچھا وہ پریمی جی آپ آ گئے.
मैं आप ही से पास आ रहा था। सब कुशल तो है? जी हाँ कुशल ही। चलिए मैं सब कुछ आपको बताता हूँ, आइए। बैठिए प्रेमी। क्या बात कर रहा है बहादुर? प्रेमी जी मेरी रक्षा कीजिए, मेरी जान खतरे में है, कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं तुम माया मोह के जाल में फंस गए हो। भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास सब कुछ है, जमीन है, जायदाद है, मोटर है, औलाद है, फिर किस बात की चिंता है? याद रखो राय बहादुर, दुनिया में जान से ज्यादा प्यारी कोई वस्तु नहीं है। राय बहादुर मालूम होता है कि तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिस वस्तु से तुम्हारी जान को खतरा है उसे फौरन अपने से दूर कर दो। प्रेमी जी मैं आपके आदेश का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊं कि मेरी क्या मजबूरी को भूल जाओ राय बहादुर, मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो ग्रहों के अनुसार अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, समझे? चलो इस कार्य को शीघ्र ही पूरा करो, चलो। Come on, Benji, come on. Please say something about me also. You are such a learner. देखो फिर हमें ये भाषा नहीं आती, सीधी तरह बात करो। I'm so sorry. प्रेमी जी आप इतने पहुंचे हुए आदमी हैं कि कुछ हमें भी बताइए। बाबू अब तुमको क्या बताऊं, तुम्हारे दिल में कुछ है और जबान पर कुछ है, हाथ दिखाना है तो दिल साफ करके दिखाओ। दिल तो साफ है प्रेमी जी, लाइक ए मिरर। दिल साफ है तो सुनो, तुम्हारी रेखाएं बताती हैं कि तुम किसी का खून करने वाले हो। खून? 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 प्रेमी जी आप मजाक कर रहे हैं। मजाक तो तुम करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में खून लिखा है और प्रेमी जी जो कुछ कहते हैं वो कभी झूठ नहीं होगा। अच्छा राय बहादुर अब हम चलते हैं। अच्छा प्रेमी जी कल्याण हो, कल्याण हो। मैं चाहती हूँ कि दलित जब भी बाहर जाए तो उसका पीछा करो, उसके यहाँ आने में जरूर कोई राज है और वो बड़ा खतरनाक आदमी मालूम होता है। बड़ी खतरनाक मालूम होता है तो मुझे इस कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती हूँ। देखो उसके हाथ में तो खून लिखा है, कहीं मेरा ही खून न कर दे। मैं मेरे हाथ ये काम करना चाह रही हूँ। और तो ऐसा बोलो नहीं क्या ना अभी है। और देखो अगर पीछा करते हुए मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना मोहब्बत में बेचारा पंजवानी काम आ गए। अच्छा अच्छा मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें नहीं लिख सकता जिसमें तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। शायद वो सिरे तुम्हें मिलकर शायद तुम्हें तुम्हें
करो प्रेमी जी, मैं आपके आदेश का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं असली हीरे कहाँ छुपाए हुए। मेरी आंखों के सामने चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है, क्या होगा? नहीं, मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। नकली हीरे, नकली हीरे। किनारे पुल के नीचे। तो तुम वहां क्या कर रहे थे? बड़ी सेठ जी के पीछे दलीप था। हम लोग वहां भी इंक्वायरी कर जाता है। अरे अरे, मैं घबरा रहा हूं, हमारी बात तो सुनो। यस, हु इज स्पीकिंग? मैं दलीप बोल रहा हूं। दलीप, तुमने ये क्या किया? तुमने राय बहादुर का खून कर दिया। खून? मैंने? अम्मा, खून तो उन बदमाशों ने किया है जिन्होंने उसको कत्ल करने की धमकी दी थी, और असली हीरे भी लेकर वो गायब हो गए। तो खून तुमने नहीं किया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। पुलिस यही समझती है कि खून तुमने किया, इससे एक फायदा होगा, वो बदमाश छुपेंगे नहीं बल्कि अपना काम जारी रखेंगे। अफसोस तो ये है कि मैं उन बदमाशों को पकड़ नहीं सका, कि आखिर वो हैं कौन। लेकिन आप फिक्र न कीजिए, मैं पुलिस की नजरों से बचकर इस रात को सुलझा कर ही रहूंगा। ओके, चलिए। ओके बात, थैंक यू। यस बात, बेवकूफ हो, ये हीरे नहीं शीशे के टुकड़े हैं। तुम्हें असली और नकली चीजों की तमीज नहीं। मुझे यकीन है असली हीरे दलीप के गए, उसने तुम्हारी आंखों में डूब जाऊंगी। उसका पीछा करो, उसको पकड़ कर मेरे पास लाओ, उससे हीरे हासिल करने। ऑलराइट बॉस, कम ऑन। सारे सपने खाक में मिल गए, क्या सोचा था क्या होगा? घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरा नाम अजीत है तो मैं दलीप को पकड़ कर रहूंगा, मैं साय की तरफ का पीछा करूंगा। तो बड़ा खतरनाक आदमी, और पुलिस उसकी तलाश में। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कोई खतरा नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। और अगर तुम्हारे लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। प्रेमी जी, आइए। शीला बेटी, जरा यहां आना। कल्याण हो पृथ्वी। ये मैं समझती हूँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? ये दलित हैं, इनका नाम अजीत है, शायर है, इन्हें बहुत दिनों से जानती हूँ। मैं
अपनी बहन से शादी भी करने वाली थी। अजीत इनसे मिलो। अजीत प्रेमी की बड़े ज्ञानी पुरुष है, दीदी में बहुत मानते थे। कल्याण कल्याण, आपके दर्शन करके बड़ा आनंद हुआ महाराज। आप ऐसे लोगों का तो मैं भक्त हूँ, दास हूँ, मेरे लायक कुछ सेवा महाराज। तुम सुखी रहो, इससे अधिक हमें और कुछ नहीं चाहिए। सच है महाराज, आपने इस पापी दुनिया को त्याग दिया। धन्य हो महाराज, धन्य हो। दीदी जी, आपका टेलीफोन है। अच्छा। कल्याण हो। प्रेमी जी आप बैठिए, मैं अच्छी आती। आइए महाराज, बधाई। हेलो हेलो, मैं शीला बोल रही हूँ। और से सुनो, अपने बाप का अंजाम देख चुकी हो, अगर तुम्हें हीरो का पता है तो बता दो, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो राय बहादुर का हुआ है, समझी? आप कौन है? हेलो, तुम कौन बोल रही हो? वेल डन, वेल डन। क्या हुआ बेटी, क्या बात है, घबराई हुई क्यों? किसका टेलीफोन था? मालूम नहीं कौन थी, कहती थी हीरो का पता बता दो, वरना तुम्हारा भी वही असर होगा जो डेली का हुआ। मैं सच कहती हूँ प्रेमी जी, मैं हीरो के बारे में कुछ नहीं जानती। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, अगर तुम्हें हीरो के बारे में कुछ नहीं मालूम तो संसार में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और फिर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता। अब मैं चलता हूँ। कल्याण कल्याण, इससे पहले भी कब तुमने ये आवाज सुनी? इससे पहले तो मैंने कभी आवाज नहीं सुनी। देखो श्री, मालूम होता है कि हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि मुझसे पूछे बगैर कोई काम मत करना। अब तुम अकेली रह गई हो और तुम्हें इस दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं। प्रेमी जी है जी, हम अंदर आ सकते हैं? बधाइए, हम आपका बहुत तारीफ सुना है विराजी। शुक्रिया। बात ऐसा है कि हम दर खैबर से आया है, लेकिन इधर आने के बाद दो चार मुसीबत में फंस गए। अभी आप हमारा हाथ देखो और कोई ऐसा नुस्खा बताओ जो हमारा मुश्किल आसान हो जाए। देखो खान, तुम्हारी शक्ल मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन हाथ की रेखाएं नहीं। और फिर जिस हाथ में खून की रेखा हो मिस्टर दिलीप। प्रेमी जी वाह वाह, आप बहुत कमाल के ज्योतिषी हैं, लेकिन दिलीप भूलो नहीं कि तुम खूनी हो और पुलिस तुम्हारी तलाश में है। प्रेमी जी आप बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन यह खून मैंने नहीं किया है, शायद अभी मेरे हाथ में किसी और खून बाकी है, इसीलिए मैं आपके पास आया था। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो, बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना हो सकता है कि तुम्हारी जगह कोई बेकसूर आदमी इस फिल्म का शिकार बन जाए और तुम्हारे नाम पर एक और खून लिखा जाए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। ईश्वर कभी कभी एक ही शक्ल के दो आदमी बना देता है, एक देवता होता है और दूसरा राक्षस। तुम अगर ईश्वर के क्रोध से बचना चाहते हो तो फौरन अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। प्रेमी जी आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाता हूं। बड़ी खान साहब, आपके पास माचिस है, हमको जरा सिगरेट जलाने की है। जो बड़ी माचिस देवनी। ओ माचिस मंचा, ये लो माचिस। अरे अरे, हमारे पास तो सिगरेट भी नहीं है। खुद ही तुम्हारे पास सिगरेट भी नहीं है और तू माचिस मांगते? ये लो सिगरेट भी लो। इसका मतलब ये
तुम खास साहब से मसखरी करते हैं, हमको घूर-घूर के क्या देखता है, लो सिगरेट पियो। बड़ी हम आपको किधर देखा है? ओ तुम कैसा बात करता है, हम तो 20 साल के बाद इधर हिंदुस्तान आया है दरिया खैबर से। बड़ी फिर हम तुमको बचपन में देखा होगा। तुम हमको बचपन में जरूर देखा होगा लाला की जान। लाओ हमारा माचिस सिगरेट। बड़ी ये तो दलील है। अरे तो ब्लू होटल के अंदर गया। नौ दो ग्यारह
और चालाक बनने की कोशिश मत करो। बताओ वो हीरे कहाँ है? बताओ वो हीरे कहाँ है? हीरे? मैं पूछता हूँ कौन से हीरे? वो असली हीरे जो राय बहादुर के पास थे, जिसकी जगह तुमने नकली कर दी है। नकली? हाँ, तो फिर असली हीरे कहाँ गए? वो तुम्हारे पास है। ओ, तुम्हें जो हीरे मिले हैं वो नकली हैं? हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि राय बहादुर का खून भी तुमने किया? बकवास! यस बॉस। ये बहुत चालाक आदमी है, इससे ज्यादा बात मत करो। इससे हीरों का पता पूछो, अगर ना बताए तो उसे कैदखाने में बंद रखो। ये तो गलती से लिखा मालूम पड़ेगी, तो जेल खाने का नक्शा मालूम होता है तुम्हारा। बड़ी हमारा सर तो गोल है नहीं, इसकी तो लंबाई चौड़ाई का कोई हिसाब ही नहीं है। जरा देखो नहीं, मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देखता चलूं। कोई कष्ट तो नहीं है? बड़ी नमस्ते प्रेमी जी। कल्याण हो, कल्याण हो। अच्छे मौके पे आए प्रेमी जी। शायद मरने से पहले पिताजी ने नक्शा मेरे नाम भेजा, मुझे मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि क्या है। और प्रेमी जी को दिखाओ ना, अरे देखो कुछ ऐसा। ओ, तो गया वो काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। देखते नहीं हूँ मैं तुम्हारे बाप से बात कर रहा हूँ। पीछे पीछे। यस बॉस, वो कौन सा ऐसा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ? हीरा के पास एक नक्शा है, शायद यही वो नक्शा है जिससे हीरों का पता चल सकता है। तुम्हें किसी तरह भी ये नक्शा हासिल करना है। नक्शा हासिल कर? कदम करके नहीं, अजीत बनकर। अजीत? ये अजीत कौन है? वो आदमी जिससे शकीला मोहब्बत करती है, उसकी सूरत तुमसे बिल्कुल मिलती है। ओ, सूरत मिलती है? ये कैसे मुमकिन है? एक सूरत के दो आदमी कैसे हो सकते हैं? ये बिल्कुल मुमकिन है, उसकी तुमसे सूरत मिलती है। का मतलब ये है कि बाजी मेरे हाथ? हाँ, ये सब तुम्हारे ही हाथ में है। तो फिर मामला हो जाए। अच्छी बात। कब्जे में हूं तो क्या हुआ? तुम्हें मेरी जान की जरूरत नहीं, जरूरत। और इस काम के लिए मुझे अजीत का खून करना होगा। ये तो बड़ी बात है। अगर मैं नक्शा लेकर भाग गया तो आप मेरा क्या कर लेंगे? हम इतने बेवकूफ नहीं, हमारे आदमी हर वक्त तुम्हारे साथ होंगे। और नक्शा मिल जाने पर अगर आपने मुझे हीरे न दिए तो? जोर जोर से बेईमानी नहीं कर सकता। प्राण इसको रिवॉल्वर दे दो, दे दो रिवॉल्वर। आज से गरीब तुम्हारे साथ है, इसे हाथ मिलाओ। यस फ्रेंड, यस। अजीत का खून, चलो दोस्तों। ये रहा उनका मकान। करे, इधर तो ताला लगा पड़ा है। यही कहीं होंगे, चलो उन्हें ढूंढे। अरे ये तो दलीप है। ये सब लोग कौन है? अरे सब गुंडे हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। भागो वरना मुसीबत आ जाएगी। हम लोग यहाँ छुप कर देखेंगे, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। तो जल्दी से छुप जाओ। अरे यहाँ नहीं, चलो उस घर के पीछे छुपने निकल जाओ। अरे नीली आंखें। नीली आंखें? ये तो गैर मुल्की जासूस और हीरो का सबसे बड़ा स्मगलर है। और हम पुलिस वाले ये समझते रहे कि ये कब का खत्म हो गया, लेकिन मालूम हुआ ये तो आज खत्म हुआ। बड़ी हमको भी आज मालूम हुआ कि आप पुलिस वाले हो। वेल मिस्टर पानीवानी, हम तुम्हारे वास्ते पुलिस वाला है, लेकिन शीला के लिए हम अभी तक अजी। पुलिस, तुम्हारी तरकीब हमारी समझ में नहीं आई कि लेडीज के वास्ते डिफरेंट, जेंट के वास्ते डिफरेंट। बड़ी चलो तो तुम्हारे वक्त में समझो कि हमारी कुर्बानी हो गई। जलने लगी क्यों हवा मेहरा के धूम से, जलने लगी क्यों हवा मेहरा के धूम के। आई है शायद तेरी जुल्फों को चुमके, है मेरी जान वफा। देखा है ये क्या, तुम तो चेहरे।